Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Twins. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई इस परेशान ड्रामे के एपिसोड 7 में तो यार बहुत कुछ हो रहा है, काफी मजा आ रहा है। तो जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसके आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आ गया पार्टी में भाई। बिल्कुल सिंपल सोबर बन गया है बंदा, जैसा है ये वैसा ही बन गया है। टैलेंटेड है यार ये। टैलेंट से ही तो मार रहा है अपने, बने से कोई भाई क्यों पूछेगा। मरीजात, अस्सलाम वालेकुम। हाय, क्या हाल है? आई एम सो ग्लैड कि तुम आए। मैं बुलाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार घर है। थैंक्स। और एक एक चीज, आओ चलो, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू मीट यू। मामा, मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको किसी से मिलवा। मामा, ये परीजाद है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है एंड इवन मोर। ओए यार, इसकी मां की नजर। मैंने आपको बताया था ना, आपको याद है कि इसने मेरे प्ले के लिए एक पोएम लिखी थी। सो यू आर परीजाद? जी। इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा परीजाद, जस्ट फील इट। ओके, मैं बस कुछ मेहमानों से मिलके आती हूँ, चलो मैं तुम्हें मिलवाऊँ। ये ऐसे ही देखते हैं लोग ये। अमीरों की नजर ही ऐसी होती है यार। टैलेंटेड बंदा है भाई, उसने उसके काम से नहीं देख रहे। हाँ, कोई जवाब ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया यार, उसे देख रही है यार। तो ये बंदा अकेला फील करता है, ये समझ गया जो ये फील कर रहा था ना पहले। सच में हो गया इसके साथ, कोई जानता नहीं इसको। तो प्ले वो बंदे कहाँ गए जो प्ले वगैरह में, तो उनको तो मिलना चाहिए। माहौल देख रहा है भाई बंदा। बहनें कैसी हैं? बहनें भी करम अल्लाह, बड़ी हो गई होंगी अभी तक, काफी बड़ी हो गई है ना, आई कैन इमेजिन। फरीजाद, अस्सलाम वालेकुम। लुबना, मैं बस चलता हूँ, बहुत शुक्रिया दावत में बुलाने का। नहीं, खाना खाए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं, बस देर हो गई है और मेरे पास कोई सवारी नहीं है, तो बस भी नहीं निकल जाएगी। परीजा, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, तुम खाए बगैर नहीं जा सकते, जिद नहीं करो। वो कहते हैं कि मिलेंगे कयामत के दिन, खूब गोया रोजे कयामत कोई और भी होगा। ममान साहब, शेर व शायरी का इतना शौक रखते ही हैं तो ठीक से ही पढ़ लिया करें। I'm sure इस दफा भी कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। शायरी का मकसद क्या होता है? अपने जज्बात और एहसासात को दूसरे तक पहुंचाना, और मुझे यकीन है कि मेरे सेंटिमेंट्स तुम तक पहुंच चुके होंगे। कोशिश तो आप बहुत अरसे से कर रहे हैं, तो आपकी मुलाकात एक जेन्युइन शायर से करवा लेती हूँ। ये हैं फरीजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के बल्कि पूरे शहर के सबसे आला शायर हैं, उनकी शायरी पे लोग जान देते हैं। वेल डन मिस्टर फरीजाद, आई लाइक दिस पोएट्स, और मुझे यकीन है कि एक दिन लुबना को भी उसी तरह से अप्रिशिएट कर रही होगी जैसे कि आज तुम्हारे गुण गा रही है। क्या बात है मिस्टर परिजाद, खाना नहीं लिया तुमने? नहीं जी, बस मैं सैर हो चुका, अब मुझे बस वापसी की फिक्र है। मेरा एक काम करोगे? जी, मैं? हाँ,
बड़ा आदमी है कोई ये. I'm a very straightforward person. शायरी मेरी कमजोरी है. मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए शायरी करो. लुबना ने मुझे तुम्हारे कुछ शेर सुनाए. आई थिंक यू कैन डू दिस जॉब फॉर मी. जी वो शायरी तो किसी के लिए नहीं की जाती, अपने दिल के लिए करता है इंसान. जानता हूं. प्लीज अब खुदा के लिए ये नहीं कहना कि तुम्हारा फन बिकाऊ नहीं. दुनिया में हर चीज बिकती है, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए. देखो मैंने अपनी पब्लिश करवानी, तुम मेरे शेरों को अपने अंदाज में दुरुस्त कर दो और बीच में अपनी कोई ताजा शायरी भी मिला दो. इन सबको इस बुक में शामिल कर दो. बदले में तुम जो कीमत चाहोगे तुम्हें मिल जाएगी. डील कर रहा है. दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, किसी के फन समेत. अगर अभी मेरे फन बेचने की नौबत नहीं आई, जब कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने कागज के पलंदे लेकर दुकान पर आऊंगा. क्या जवाब दिया है इसने? सही कह रहा है यार ये, मतलब अपनी एक वो है. मेरी दुकान पर खूब हमारी दुकान भी है. बहुत बड़े लोग हैं ना ये. इंतजार करूंगा. परिजा तुम थोड़ी देर रुकते, मैं इतने लोगों से तुम्हें मिलवाना चाहती थी. नहीं नहीं अब वाकई देर हो गई है, और फिर किसी ने मुझसे यहाँ गाना सुनाने को भी नहीं कहा. तो मेरा ख्याल है अब रुख्सत होने का वक्त आ गया. मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी इनविटेशन पे आए, हालांकि मैं देख रही थी कि तुम कितने अनकंफर्टेबल हो. तुमने धमकियां ही इतनी दी थी कि आना था. ये देख रही है वो वैसी नजरों से. कौन हंसती है? मैं कुछ समझ नहीं पाया. उनको ज्यादा सीरियसली मत लो, उनको बस लिटरेरी सर्कल्स में अपनी खामखा की पब्लिसिटी का शौक है. दैट्स इट. आई डोंट टेक हिम सीरियसली, तो यू शुडंट आइदर. तो फिर यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती है. ओके सी यू. ये देख रही है भाई बड़ी तीखी नजरों से. पैदल जा रहा है बेचारा. दुनिया में हर चीज बिकती. ये बात लग गई भाई. मत लगाने वाला होना चाहिए. मुझे पता नहीं है ना कि ये क्या चीज है. यार कितनी वो दिखाई है कि बस बस नहीं मिलेगी तो पैदल दिखा रहे हैं. तुम्हें मिल जाएगी भाई. ये चीज दिखाई है यार. अरे ऐसे पहुंचेगा यार. तैयार होके गुस्सा आ रहा है इसे. आज तक जितना खिलाया है ना, हलक में हाथ डालकर मुंह से बाहर निकाल लूंगी. आने दो इस अज्जन बुआ को. इतनी बड़ी बात उसने सलीम की माँ से कर कैसे दी, और वो भी हमसे पूछे बिना. और सईदा के ससुराल वालों को तो देखो कैसे खामोश बैठे हैं. मीसने कहीं के जुबान भी बंद है. इसे कहते हैं मौके पे वार करना. ये वक्त इन बातों का नहीं है. इस मसले का कुछ ना कुछ हल तो निकालना होगा ना. अब हम अपनी बहन को
इसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते हैं। क्या मतलब आप क्या सोच रहे हैं गुड्डू के अब्बा? मैं अपने हक पे किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। हाँ, और सईदा का घर खराब हो जाए? बहन है आखिर वो हमारी। ये भिनापा जगाने का वक्त नहीं है असगर। कुबरा भाभी ठीक कह रही हैं। हमने जो देना दिलाना था वो उसके निकाह और रुख्सती के वक्त दे दिया। और अगर खुदा ना खास्ता सलीम ने सईदा को भेज दिया तो फिर यही तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। अरे जब वो उसको घर से निकालेगा तब की तब देखी जाएगी। मुझे सलीम क्या सोच रहे हैं? ना साजिश लगती है। गीदर भपकियां हैं उनकी, सईदा को आगे करके पीछे से तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग बेबी, हाउ आर यू? नसीम बाजी कॉफी बना दें प्लीज, सर में दर्द है। सारी सारी रात उठी रहोगी दोस्तों के साथ हमारा गलती करती रहोगी तो सर में तो दर्द होगा ना। डॉक्टर को बुलाओ। रूटीन का है लेकर। अच्छा तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो क्या? नहीं अभी क्लास नहीं है, सेकंड हाफ में देखता हूँ। गुड, लेट्स गो शॉपिंग। वैसे तो यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग जगह ही नहीं है जाने के लिए, पर हम चलते हैं, विल रोम अराउंड इट समथिंग, लेट्स गो। मामा अगर आपको सांबर इतना बुरा लगता है तो यहाँ क्यों मूव हुई? आपको याद है मैं कितना रोई थी शिफ्ट होते वक्त? व्हाई डू यू कीप ब्रिंगिंग दैट अप? तुम्हें पता है कि कितनी मजबूरी के आलम में मुझे शिफ्ट होना पड़ा। अब ऑब्वियसली जब हालात ठीक होंगे वी गोना गो बैक, हम वापस चले जाएंगे। व्हाट? क्या मतलब? मामा मेरी पढ़ाई, मैं सेमेस्टर के बीच में खड़ी हूँ। कम ऑन लुबना, यू नो कि मेरी हमेशा से ड्रीम थी कि तुम यूके या स्टेट्स की किसी अच्छी अमेजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो, नॉट सम रैंडम यूनिवर्सिटी मेरी जान। मामा मैं यहाँ जस्ट हो गई हूँ, मुझे अपना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अच्छा लगता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? और तुम्हें मैं ये याद कराती चलूं कि किस किस्म के तुमने नमूनों को दाखिल कर लिया अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में? वो क्या अजीब सा एक लड़का, क्या नाम है उसका, अजीब सा नाम? परिजात। यस परिजात, पार्टी में भी आया हुआ था वो। मम्मा प्लीज डोंट से दैट, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमारे ड्रामा फेस्टिवल में बहुत मदद की थी। हाँ तो मदद करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम हर एक को अपने घर की प्राइवेट पार्टियों में इनवाइट करती फिरो। Such a misfit, my God. And don't tell me that you didn't notice कि वो misfit नहीं था। That's not fair, mama. मुझे अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। बताओ यार क्या सोच है इसकी? वो लड़का तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं देखूंगी। कौन देखेगा लुबना? Really? Now you're being rude. एक मामूली से लड़के के लिए You are talking to me like this, and you know I don't like it. Stop it now. Lupna, listen to me. कोई तो ताज़ा हवा की खिड़की खुली रहने दे मेरी ज़िंदगी में। सही जवाब दिया है। सोच ही बहुत घटी है। तो अम्मा ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तुम्हारे भाई और भाभियां तुम्हारे हिस्से पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और शादी के वक्त मेरे घर वालों ने जायज नाम पे एक चीज की डिमांड नहीं की थी, और अब ये मौका है, इस पर क्या तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए उन लोगों को? तो आप मुझे बताएं सलीम मैं क्या करूं? आप जानते हैं कि मेरे घर वालों के सामने मैं बेबस हूँ, मेरा नहीं बस चलता उन पर। लेकिन मैं अपने घर वालों के सामने बेबस नहीं होना चाहता, मजीद शर्मिंदा नहीं हो सकता माँ बाप के सामने। तुम कान खोल के सुन लो, अगर इस मौके पर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो शायद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ना हो। ध्यान रखा करो, चाय में पत्ती देखो। अली साहब तुम कैसे? सलीम आप आओ बैठो, चाय पिलाओ, मैं काम है आता हूँ, बैठो। ओह यार सुन लिया ना। बहन की तो भाई ये बहुत वो करता है, कुछ भी कर देगा, अब ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा ये पैसों का। बहुत सही का ड्रामा चल रहा है, कुछ भी करेगा भाई, मतलब पैसे वैसे
कुछ भी, कुछ तो करेगा भाई ये यार, इसको घर से ना निकाल। इसके भाई तो नहीं कर रहे बड़े भाई, लेकिन ये जरूर करेगा, क्या पता ये कर्जा वर्जा ले ले उससे लुबना से। हाँ हो सकता है, क्योंकि वो अमीर भी है। अमीर है वो, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया चल रहा ड्रामा यार, मजा आ रहा देखने में। गाइस वो जो पार्टी में ये गया था, और उसकी माँ जिस तरीके से देख रही थी, उसकी नजर बहुत बेकार थी यार। अमीर लोग ऐसे ही देखते हैं, ऐसे देखते हैं। वो क्या तो रीति मिसफिट है वो। हाँ वो मिसफिट था, वो देखते हैं ऐसे, वो सोच ऐसी रखते हैं यार, वो कदर नहीं करते किसी के टैलेंट। कलाकार है भाई, टैलेंटेड बंदा है। उसकी बेटी बता रही है कि बहुत अच्छा, मतलब शायर है, फिर भी कोई कदर नहीं है। उनका काम होना चाहिए बस। पर ये एक अच्छी बात है कि उसकी बेटी ऐसे नहीं सोचती, लुबना ऐसे नहीं सोचती, क्योंकि उसने इसकी वो शायरी सुनी हुई है कि किस तरीके से दुनिया को, क्योंकि ये कलाकार है भाई। हाँ भाई, टैलेंटेड बंदा है, इसके टैलेंट से वो इसकी तरफ वो ही है, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हाँ ये नहीं कि ऐसी है बंदा। और यार वो सीन भी काफी सही था, जब वो शायर वो बेचने की बात, मतलब वो उसके जो वो है शायरी, वो कह रहा था कि मेरी मतलब मुझे बेच देना, जब उसने जो दुकान मैं आऊंगा दुकान पे, बहुत जब वक्त आएगा वो वाला बेचने का, तब मैं आऊंगा दुकान पे। और दुकान वर्ड उसने पकड़ लिया, और उसको वो टोंटी हो गया एक तरीके से ना। हाँ वो टोंटी हो गया, तभी तो उसको गुस्सा आ रहा था। और ऐसे टाइम पे ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। और इसने दे दिया और वहां से निकल लिया। वो समझ रहा था ऐसे ही शायर है ये, और ये जो सोचता है, जो लिखता है, वो जिस लेवल का शायर, ये काबिले तारीफ है। वो यार काबिले तारीफ है, बहुत मजा आ रहा है। एपिसोड 7 हम खत्म कर चुके हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 8 स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।